उसी के चुनाव मतदाताओं का जिस तरह का उत्साह समाजवादी पार्टी के लिए और हमारे उम्मीदवार पक्ष में निकला, उससे ये लगता है कि चुनाव आते आते ये चुनाव तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यूँ तो आप जानते हैं कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं, सरकार केवल कागज पर चल रही है, सरकार केवल प्रेस और मीडिया के जरिए प्रचार हो रहा है, खाली उस पर चल रही है, देहात में गांव में कहीं भी किसी का कोई तस्वीर काम वही नहीं। तो जनता तो दुखी है बहुत ज़्यादा, और जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं श्रीमान, उनको इसी जनता ने तमाम नाराजगी के बाद समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिया, स्वच्छता के, और उन्होंने बिना जनता से किसी से बात किए हुए, बिना अपने साथियों तक से बात किए हुए, बीजेपी के लालच में आके कि तुम्हें मंत्री बना देंगे इस्तीफा दे के आ जा, तुम जानते 200 रुपये मंत्री बनने कोई बना, कोई ठिकाना नहीं, और इन्हें तो बनाने कोई सवाल नहीं है। ये आदमी वो इतिहास देखते हैं RSS वाले का, इसका अतीत कैसा रहा, तो पता चला कि समाजवादी पार्टी से चले गए BSP से फिर आ गए समाजवादी पार्टी, और फिर चले गए BJP, फिर BJP में मिनिस्टर रहते हुए आ गए समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी से MLA हुए फिर चले BJP। तो वक्त आने पर इस तरह के लोग किसी के साथ नहीं है, ये वो नेतृत्व भी जानता है और तो जनता में आम जनता का जब कोई विश्वास अपने उम्मीदवार जो लड़ाई में मैच किसी पर नहीं होता, तो नेचुरली वो चाहे किसी पार्टी का आदमी क्यों हो उसी में, मैंने जो आते ही देख लिया जो BJP का झंडा लगाए हुए हैं वो भी कोई मनसा दारा सिंह के साथ नहीं, और हो सकता है क्योंकि उन्हें विश्वासी के साथ ही वोट देने का फायदा क्या, ये हमारे साथ रहने का, कल कोई लालच दे तो बदल जाएगा, और हार तो जाने ही, हार जाने के बाद किसी के पार्टी तो ये यहाँ चुनाव मतलब हमारे कार्यकर्ताओं पर निर्भर है कि जितनी मेहनत कर लेंगे मार्जिन उतना ही बड़ा हो जाएगा, और ये ठीक तरीके से सब लगेंगे तो हो सकता है आप ही तक भी कुछ नहीं कर पाए, चुनाव हो जाएगा समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी को आप लोग बिल्कुल तत्पर, आप लोग गलती मान रहे हैं दरअसल चौहान को और टिकट देकर ऐसा है कि राजनीति में होता रहता है, लेकिन जो मंत्री पद त्याग के आ रहा हो तो छोड़ सकता तो आदमी छोड़ चला जाए। 2024 को इस चुनाव को मद्देनजर देखा जा रहा है क्या, क्योंकि भाजपा भी पूरा अपनी ताकत झोंक दी है और आप लोगों ने भी 2024 का चुनाव एक विधानसभा क्षेत्र 2024 का चुनाव है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश बहुत उत्तर प्रदेश के हाथ में तो इस दृष्टि से ये कुछ माने को रखता है। उमेश पांडे आपके पार्टी से बार हुए कल आर्मी से शामिल हुए, उमेश पांडे कल सभा छोड़कर बीजेपी आ गए, हमारे प्रत्याशी में एक दिन पहले ही मुख्तार अंसारी का परिवार की भी एंट्री होती है, मुख्तार अंसारी के परिवार का भी एंट्री होता है प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए, मुन्नू अंसारी जो आपके विधायक है वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरा अंसारी परिवार ही समर्थन दे रहे हैं। सब अपराधी
अंसारी परिवार में अंसारी परिवार परिवार रहा है, फ्रीडम फाइटर रहा है। एक आदमी अगर अपराधी हो गया तो अफजाल अंसारी, सेवकुल्ला अंसारी या मल्लू अंसारी कोई अपराधी नहीं। नेताजी चुनाव में प्रकाश राजभर और संजय निसार की ताकत होती है, बीजेपी वाले कम सक्रिय हैं ज़्यादा सक्रिय हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला सीवान। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सपा को अब यहाँ सरकार ही भेज दिया जाएगा। आप जानते हैं क्या कहें, कल ये पता नहीं एक घंटे बाद क्या कहें, कुछ पता नहीं। जब कुछ लोगों का इसमें मामला करवा जाता है तो ऐसी कह रहे हैं यूपी में कभी भी अब यादव जाति का कोई मुख्यमंत्री बन नहीं पाएगा, मैं बनने नहीं दूंगा। थैंक यू थैंक यू। बीजेपी से कब बना कह रहे हैं सपा वाले को हटाए मुख्यमंत्री बना दे। अरे सपा वाले मारने लगेंगे कह रहे हैं इन्हें, वही कह रहे हैं सपा वाले मुख्यमंत्री बना के मारने लगेंगे सब कह रहे हैं। ओमप्रकाश राजभर के निशाने पर इस समय यादव जाति जहाँ जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सारे ओबीसी का आरक्षण यादव कब्जा कर लिए, खाने पर यादव हैं, राजभरों को मार रहे हैं, इन्होंने हमारा हक छीन लिया। बीजेपी वालों से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइएगा, जनगणना में सारी चीज आती है, कितने लोग नौकरी में हैं, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, ताकि सबको मालूम तो पड़ जाए किसके पास सबका हक मिले। हम तो सबके की बात कर रहे हैं, ये ऐसी पार्टी में चला गया जो जातिगत जनगणना के क्यों खिलाफ है। बीजेपी बीजेपी जानती है कुछ लोगों के पास सब कुछ है और 90% लोगों के पास कुछ नहीं, इसलिए जातिगत जनगणना नहीं करा रहे। हम तो चाहते हो चुनाव कह रहे हैं चुनाव में पता चल जाएगा, इस बार चुनाव में पता चल जाएगा। अरे वो आदमी इस लायक है कोई इतना काम दिया जाए, वो लगातार कर रहे हैं कि राजीव राय फ्रॉड है, राजीव राय फ्रॉड है, ओमप्रकाश प्रकाश राजभर। अच्छा जो आदमी दूसरे को फ्रॉड बताता है राजीव राय अपनी सना चाहते हैं, वही हमारे पार्टी को फोड़ दिया। हम चुनाव सुधाकर लड़ रहे हैं, सुधाकर और दारा सिंह की बात करो, हुई राजभर बट ही अब क्या है, सहयोगी रहे आपके, सहयोगी रहे आपके ओम प्रकाश राजभर। सहयोगी जो छोड़ जाते हो पाए सहयोगी दगाबाज विश्वासघाती हो, समाज में विश्वासघातियों का कोई असर नहीं है, समाज ही जानता है।